हेलो दोस्तों और मेरे प्यार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने 3.1 से लेकर 3.4 तक सभी प्रैक्टिस सेट हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और आपने ये सब प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज हमारे चैनल पर जाकर ये सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख लीजिएगा और फिर उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट 3.5 को देखना शुरू कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, अभी बिना किसी देरी के एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने 3.4 जो कंप्लीट किया, जहां पे हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू दिया गया है, आपको एक एक करके एक्स का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेंगे ये जो पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग इस तरह से बोल लेंगे, लेट अस टेक पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। ओके, ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये क्या है भाई, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अब हमें सबसे पहला वैल्यू क्या पुट करना है भाई, x इक्वल्स टू 3। तो मैं यहां पर लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू 3। ओके, इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो ऐसे लिख सकते हो, इन द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो पुट x इक्वल्स टू 3 इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक्स का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर रहे हैं। ओके, यस। तो अभी हम लोग एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे पी और एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय, एक्स का वैल्यू क्या है भाई, 3 है, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स का वैल्यू अगेन क्या है, 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। ओके, देन प्लस 7। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द ओके वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब ये जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल का वैल्यू दिया गया है, उस वेरिएबल का वैल्यू को आपको गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसके जगह पर, मतलब वेरिएबल एक्स के जगह पर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा वही उस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो पी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2 3 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 आएगा, देन माइनस, देखिए पहले मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा भाई, सबसे पहले 3 का क्यूब कर लो। 3 का क्यूब क्या आएगा उसको लिखो, 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 का क्यूब आएगा 27 और फिर यहाँ पे आपको 2 लिखना है। देखो ये 2 को मैंने लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब क्या आएगा, 27 होगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, लास्ट में क्या बचेगा, प्लस 7। ओके, यस, नेक्स्ट। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, देन इसको मल्टीप्लाई कर लो, गड़बड़ बिल्कुल नहीं, पहले यहाँ पर इस इक्वेशन में, ओके, इस ऑपरेशंस में, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है इसमें सबसे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ओके, यहाँ पर भी आप क्या करने वाले थे, मल्टीप्लीकेशन था। ओके, नहीं तो बहुत सारे बच्चे 6 माइनस 2 पहले कर देंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई, वहीं पे आप रॉन्ग हो गए, स्ट्रेट अवे आपकी टीचर 0 मार्क दे देगी। यहाँ पर आपको कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है भाई, पहले यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है, देखिए क्या बचता है, मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे आ जाएगा 54 और लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस 7। अब देखो, अब इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, अब दोनों में से किसे चाहे, जिसे भी चाहिए उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों को माइनस करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को आप लोग प्लस माइनस जो हो रहा है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 6 माइनस 54, पहले 6 माइनस 54, 6 को साइन क्या है भाई, प्लस का साइन है, 6 को प्लस का साइन है, तो प्लस 6 और माइनस 54 क्या भाई, क्या आंसर देगा, प्लस 6 और माइनस 54, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन देना है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपको, माइनस 48 आएगा।
फिर उसके बाद क्या बच रहा है, लास्ट में प्लस सेवन बच रहा है। यस अगेन अगेन यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा भाई, माइनस होगा और अगेन बड़े नंबर का साइन। सो माइनस प्लस माइनस कर दिया और बड़े नंबर का साइन हमने क्या पुट करना है यहाँ पे, 48 में से 7 चला गया तो क्या बचना चाहिए भाई यहाँ पे, माइनस 41। ओके तो आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मिल गया पी ऑफ 3, देयरफॉर मैं लिखूंगा पी ऑफ 3। यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स में इसको पुट कर देता हूँ। सो आपको पहला जो था एक्स इक्वल्स टू 3 जब इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो आपको क्या वैल्यू मिला भाई, P of 3 equals to minus 41। चलिए अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। x equals to minus 1, so हमारा पॉलिनोमियल क्या है उसको लिख लेते हैं। सेकेंड वन हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x minus 2x cube plus 7। ओके तो हमें क्या पुट करना है भाई, हमें पुट करना है x की जगह पर, x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर माइनस वन। Put x equals to minus 1 in the given polynomial. इस तरह से आपको लिखना है, okay? Given polynomial, polynomial, okay? Yes. तो हम लोग x के जगह पे minus 1 हम लोग put कर रहे हैं इस polynomial में। तो यहाँ पर अभी आपको x के जगह पे minus 1 put करना है। So क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, p of x के जगह पे मैं minus 1 लूंगा is equals to 2x. 2x का मतलब है 2 multiply by x. तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 हो जाएगा। फिर ये जो माइनस साइन था यहाँ पे पुट कर दिया। अगेन 2x क्यूब का मीनिंग क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू क्या है उसको लिख दो माइनस 1 और उसका द होल क्यूब कर दो। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, प्लस 7। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल घबराना नहीं है यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अभी आपको बस सिर्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए मैं सम को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे ने, सोचेंगे कि नहीं सॉल्व होएगा, मैं नहीं कर सकता हूं, तो सच में आप नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ओके यहाँ पर पूरा प्लस माइनस का खेल है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसमें सिर्फ प्लस माइनस है। आपको प्लस माइनस को आपको स्ट्रांग बनाना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 multiply by -1 यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा। 2 multiply by -1 मल्टीप्लीकेशन में ये 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस क्या हो जाता है भाई, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको पहले इसका क्यूब कर लो, -1 का क्यूब करेंगे तो भी क्या आएगा भाई, -1 ही आएगा। देखो 1 को मैं क्यों ना कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर 1 ही आएगा। ओके तो यहाँ पर मैं पहले इसको हैजर्डस लिख देता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करूंगा। -2 चलो मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये माइनस साइन था यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस, फिर उसके बाद ये 2, फिर ये मल्टीप्लाई बाय -1 का क्यूब करने पे क्या आएगा भाई, आंसर -1 ही आने वाला है। ओके नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो +1 होएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे ओके तो आंसर नेगेटिव आएगा। देखिए यानी कि आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करता, ऑड टाइम मतलब 1 time, 3 time, 5 time, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आने वाला है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर को इवन टाइम मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 2 time, 4 time, 6 time, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके जैसे कि अगर मैं -1 को मैं 2 time मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। -1 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आएगा। ये थ्योरी आप याद रखना, ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर, 1 क्यों ना हो, दूसरा कोई नंबर ले लेते। तो कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन कोई भी नेगेटिव नंबर को इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 का क्यूब हो रहा था तो -1 का क्यूब क्या डालूंगा मैं, -1 लिखूंगा और लास्ट में क्या बच रहा है, +7। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पर क्या आएगा, देखो -2 इसमें लिख रहा हूं -2, उसके बाद -2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो -2 into -1। देखो यहाँ पे दोनों को नेगेटिव साइन है, -2 और -1 दोनों को नेगेटिव साइन है, तो क्या आ जाएगा भाई आंसर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, +2 हो जाएगा और लास्ट में क्या बच रहा है, +7। ओके नेक्स्ट स्टेप अभी देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये -2 और ये +2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ओके दोनों नंबर सेम है बट दोनों का साइन डिफरेंट है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, P of, therefore मैं लिखूंगा P of -1, मुझे मिल गया 7। बचा क्या, सिर्फ 7 बचा, इसको भी एक अच्छे बॉक्स में मैं पुट कर देता हूँ। चलो अभी सीधा हम लोग थर्ड सम देख लेते हैं। अभी हम लोग को थर्ड सम क्या है भाई, हमारा सेम है पॉलिनोमियल क्या है वही लेने वाले, P of x। यहाँ पर मैं लिखूंगा P of x equals to 2x minus
टू एक्स क्यूब प्लस सेवन। ओके अभी हमें क्या पुट करना है भाई, पुट x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, जीरो। सो मैं यहां पर लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू जीरो इन द गिवन पॉलिनोमियल। ओके गिवन पॉलिनोमियल में हम लोग x के जगह पे जीरो पुट करने वाले। ओके सो यहां पर यस x के जगह पे जीरो पुट करो और चेक कर लो आपका आंसर क्या आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो p ऑफ x के जगह पे जीरो पुट करना है। ओके जहां पे भी x आएगा इस पॉलिनोमियल में जीरो डाल देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x आया तो जीरो, फिर से माइनस साइन दो 2x क्यूब, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब, x मतलब जीरो आएगा तो जीरो का क्यूब आपको करना है। और लास्ट में क्या बचा, प्लस सेवन। देखिए अब किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे या जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद तो जीरो है पर दूसरों को भी जीरो बना देता है। ओके सो माइनस माइनस अभी 2 इंटू जीरो का क्यूब। ओके अगेन आया जीरो का क्यूब क्या होगा, जीरो होगा और जीरो से कोई अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो भी जीरो बन जाता है। ओके मान लीजिए आप बहुत अच्छा होशियार है, बहुत अच्छा पढ़ रहे, अभी आप 8th क्लास में थे, पढ़ाई बहुत अच्छा किए, 9th क्लास में, 9th क्लास में आते आते बच्चे क्या होते भाई, थोड़ा सा वो लोग क्या करते भाई, थोड़ा सा कोई ऐसा बच्चा है ना जो पढ़ता नहीं है, जो हमेशा जीरो लाता है, तो उनके साथ वो ज्यादा दोस्ती कर लेता है। तो क्या होता है भाई, जब वो जीरो के साथ आप ज्यादा फ्रेंडशिप में रहोगे तो आप भी क्या होते जाओगे, आपके धीरे धीरे परसेंटेज डाउन होते जाते हैं। ओके और एक समय आता है कि आप भी जीरो बन जाते हो उनके साथ, आप अपना नाम खराब कर लेते हो। तो जीरो क्या करता है भाई, जीरो हमेशा सबको जीरो बना देता है। ओके तो कभी भी आपको अच्छे नंबर के साथ दोस्ती करना है, अच्छे नंबर के साथ मतलब अच्छा नंबर जो लाता है उसके साथ आपको फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जीरो जो है, जीरो का काम क्या है भाई, सबको जीरो बनाना। ओके तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाय जीरो का क्यूब, अगेन यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा, जीरो का क्यूब जीरो होगा और टू को जीरो से मल्टीप्लाई किए तो जीरो हो गया और लास्ट में बचा क्या, प्लस सेवन। ओके तो यहाँ पर जीरो जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, बचा क्या, प्लस सेवन। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल रहा है, देयरफॉर करके मैं लिखूंगा p ऑफ जीरो का वैल्यू आ रहा है आपको सेवन आ रहा है। ओके तो यहाँ पर मैं इसको फाइनल आंसर में इसको बॉक्स बना देता हूँ। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करना था, काफी इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर टू देखने के लिए चलते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर वन की तरह है ये भी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p ऑफ वन, p ऑफ जीरो और p ऑफ माइनस टू। मतलब यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल दिया है ना, हर एक पॉलिनोमियल का हमें p ऑफ वन भी निकालना है, p ऑफ जीरो भी निकालना है और p ऑफ माइनस टू निकालना है। मतलब यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल है हर पॉलिनोमियल के लिए हमें p ऑफ वन, p ऑफ जीरो और p ऑफ माइनस टू। चलिए अभी हम लोग सबसे पहला पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पहला वाला पॉलिनोमियल क्या है हमारा, p ऑफ एक्स। सो p ऑफ एक्स के लिए हम लोग p ऑफ वन भी फाइंड आउट करेंगे, p ऑफ जीरो भी फाइंड आउट करेंगे और p ऑफ माइनस टू भी फाइंड आउट करेंगे। तो p ऑफ x क्या है भाई, x क्यूब। तो हम लोग अभी p ऑफ 1 निकाल रहे हैं। सो p ऑफ 1 क्या आएगा, ओके 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, 1 का क्यूब तो 1 ही आ जाएगा। तो p ऑफ 1 क्या मिल गया, 1 मिल गया। वैसे ही ऑल्सो p ऑफ 0 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ 0, तो यहाँ पे 0 का क्यूब हो जाएगा, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। तो p ऑफ 0 आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ऑल्सो p ऑफ माइनस टू निकालना है, तो p ऑफ माइनस टू, तो माइनस टू का क्यूब, माइनस टू का क्यूब। देखिए मैंने अभी समझाया, कोई भी नेगेटिव नंबर का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो हमेशा आंसर में नेगेटिव आएगा और टू का क्यूब क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो p ऑफ माइनस टू क्या मिल गया, माइनस एट हो गया। ओके तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दूसरा वाला क्या है आपका, p ऑफ y। सो p ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ 1 करना है। ओके तो पहला हम लोग का p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 क्या आएगा भाई, y के जगह पे 1 पुट कर दो। ओके तो आपको p ऑफ 1 मिलेगा। ओके तो यहाँ पे y के जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन y के जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, फिर प्लस 5। तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस टू वन या टू हो जाएगा और ये प्लस 5। अभी यहाँ पे आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को पहले परफॉर्म कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं रहेगा तो आप प्लस और माइनस है तो आप किसे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले 1 और माइनस टू को सॉल्व कर लेता हूँ, तो 1 और माइनस टू, प्लस 1 माइनस टू करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आपको पुट करना होता है, और प्लस 5। तो फाइनली आपको क्या आंसर आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे पी ऑफ 1 आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। सो इसको मैं बॉक्स में पुट कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल्सो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पी ऑफ
जीरो, पी ऑफ जीरो क्या आएगा भाई, पी ऑफ जीरो जीरो का स्क्वायर कर लो। देखो इसमें इस पॉलिनोमियल में मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, वाई की जगह पे जीरो पुट कर रहा हूँ, जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या जीरो है और प्लस फाइव, तो फाइनली क्या बचेगा, जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर आपके लिए बचेगा क्या, जीरो का स्क्वायर जीरो, फिर टू इंटू जीरो जीरो होगा और बचेगा क्या फाइव बचेगा, तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, पी ऑफ जीरो का वैल्यू फाइव। इसको भी मैं एक बॉक्स में पुट कर देता हूँ। नेक्स्ट अभी लास्ट क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो पी ऑफ माइनस टू, चलो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, पी ऑफ माइनस टू। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉलिनोमियल में ये जो पॉलिनोमियल रहेगा इसमें आपको y की जगह पे माइनस टू को पुट करना होगा। ओके तो y है माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह पे क्या आएगा, माइनस टू। ओके और प्लस फाइव इस तरह से। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें हमेशा क्या आएगा, आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, तो माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, प्लस फोर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, अगेन क्या आ जाएगा आंसर भाई, प्लस फोर आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचा है, प्लस फाइव। तो फाइनली आपको पी ऑफ माइनस टू क्या मिलने जा रहा है, फोर प्लस फोर एट, एट प्लस फाइव थर्टीन। तो यहाँ पर आपको पी ऑफ माइनस टू भी मिल गया, इसको भी मैं बॉक्स में पुट कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ओके चलिए अभी हम लोग लास्ट वन, थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन में क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्स रेस टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। ओके तो अभी हमें पी ऑफ थर्ड वन के लिए भी पी ऑफ वन निकालना है, पी ऑफ जीरो और पी ऑफ माइनस वन। सबसे पहले हम लोग पी ऑफ वन निकाल रहे हैं। ओके पी ऑफ वन मतलब आपको एक्स की जगह पे वन पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन रेस टू फोर, वन द होल ब्रैकेट रेस टू फोर, क्योंकि एक्स रेस टू फोर है तो एक्स की जगह पे वन पुट कर रहे हैं, तो एक्स की जगह पे वन पुट किया तो वन द होल ब्रैकेट रेस टू फोर, फिर माइनस यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे वन आ जाएगा तो वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स की जगह पे वन। नेक्स्ट एक्स रेस टू फोर, देखो वन को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो भाई वो हमेशा वन ही रहता है। ओके वो अपने आप को बदलेगा नहीं कभी, वन को वन से कितने टाइम भी, थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर हमेशा वन आएगा। माइनस यहाँ पे टू लिख दिया, पहले वन का स्क्वायर निकालो, वन का स्क्वायर क्या आता है भाई, वन ही आता है। ओके और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस वन। देखो यहाँ पर गड़बड़ मत करना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो पहले मल्टीप्लीकेशन होएगा, सो यहाँ पे वन तो एज इट इज में लिख दूंगा, माइनस टू इंटू वन करने पे माइनस टू आएगा और लास्ट में माइनस वन। ओके एक काम करते हैं, यही पे ये जो वन है और ये लास्ट में माइनस वन है, यही पे इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके तो बचा क्या फाइनली पी ऑफ वन, पी ऑफ वन क्या बचा, माइनस टू बचा। इसको भी मैं बॉक्स में पुट कर देता हूँ। ओके इस तरह से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन है ऑल्सो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ जीरो। तो पी ऑफ जीरो अभी हम लोग निकालते, पी ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो पुट करो तो जीरो रेस टू फोर, जीरो द होल ब्रैकेट रेस टू फोर, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय जीरो का स्क्वायर, फिर माइनस जीरो, एक्स की जगह पे आपको जीरो ही डालना था। देखो यहाँ पे कुछ बचा, जीरो के अलावा कुछ है, जीरो के अलावा कुछ नहीं है, तो जीरो ने सबको जीरो बना दिया, जीरो माइनस यहाँ पे भी जीरो का स्क्वायर जीरो और ये टू से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन जीरो, लास्ट में भी जीरो, तो फाइनली आपको पी ऑफ जीरो क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा पी ऑफ जीरो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो। ओके बहुत ही सिंपल सा है, बहुत छोटा छोटा इक्वेशन है, सिंपल सिंपल पॉलिनोमियल दिया गया, आपको सॉल्व करके निकालना है बस। ओके और लास्ट वाला क्या है, ऑल्सो पी ऑफ माइनस टू निकालना है। चलो पी ऑफ माइनस टू को भी देख लेते, पी ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स रेस टू फोर तो माइनस टू रेस टू फोर हो जाएगा। ओके माइनस टू द होल ब्रैकेट रेस टू फोर, फिर ये जो माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस डालो, फिर टू मल्टीप्लाई बाय टू एक्स स्क्वायर का मतलब टू मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या है भाई, माइनस टू द होल स्क्वायर। और फिर बचा है देखो ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है ये तो आपका क्वेश्चन में था माइनस, पॉलिनोमियल में माइनस है, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या है उसको यहाँ पे पुट करो, एक्स का वैल्यू माइनस टू है। ये स्टेप को आपको जरा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ पे मैंने माइनस पुट किया, अब एक्स का जो वैल्यू था वो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया माइनस टू। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर माइनस टू रेस टू फोर इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर है,
कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर हम लोग इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। और 2 raise to 4 मतलब 2 को आप लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे उसका वैल्यू आएगा 16। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ना तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लोगे, रॉन्ग हो जाओगे आप लोग। ये जो -2 है एज इट इज रखो, ये -2 एज इट इज रखना और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे। ओके -2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। और उसके बाद ये जो लास्ट में बचा है ये माइनस और ये माइनस, जब ये दोनों माइनस माइनस बनेंगे तो ये प्लस बन जाएंगे। ओके तो +2 हो जाएगा। आई होप ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया। देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पहले इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आपको जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दिख रहा है अगर उस मैथमेटिकल ऑपरेशन में मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड है तो आपको सबसे पहले उसे परफॉर्म करना है। ओके नहीं तो आप लोग 16 - 2 करोगे वही पे गलत हो जाओगे। पहले इसको मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है तो पहले मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये जो 16 है उसको एज इट इज रखना है, 16 को एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई कर लो। -2 × 4 करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे -8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ओके तो उसका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। और लास्ट में क्या बच रहा है, यहाँ पे +2 बच रहा है। देखिए अभी फाइनल आंसर आ चुका है, बहुत ही करीब है हम लोग आंसर के। 16 - 8, 16 का साइन क्या है भाई, प्लस है। प्लस 16 और माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, इसका 8 आएगा। और लास्ट में क्या बच रहा है, +2 बच रहा है। तो फाइनली हमें इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, P of -2 का। तो देयरफॉर P of -2 आपको क्या मिल रहा है भाई, 10 मिल रहा है। ओके तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना था, ये भी काफी सिंपल सा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ चुका है। फटाफट आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अभी हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 3 फिर देखते हैं। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी देख लेते हैं। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। क्या देख रखा है क्वेश्चन में, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल (MQ+2M+A) इज 12 फॉर m = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका मतलब क्या बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 12 है। कब, जब मैं m के जगह पे 2 पुट करूंगा। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है कौन सा वेरिएबल वाला है, ये वेरिएबल m वाला है। ओके तो इस वेरिएबल m के जगह पे हम लोग जब 2 पुट करेंगे ना तो इसका वैल्यू 12 आना चाहिए। ओके और हमें बोला गया है कि फिर ये बता दो कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमें a का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसको इस तरह से कंसिडर कर लेंगे, P of m। ओके P of m क्या देख कर रखा है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल m। ओके P of m क्या दिया गया है, m का क्यूब फिर +2m और +a दिया है। ओके यस, आगे हमें क्या बोला गया है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 12 है। कब 12 होगा, जब मैं m के जगह पे 2 पुट करूंगा। चलो अभी हम लोग m के जगह पे 2 पुट कर लेते हैं। तो पुट m = 2, m के जगह पे हम लोग 2 पुट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखो p of 2 = 2, m के जगह पे 2 पुट करो, सो 2 the whole cube इस तरह से लिखना है। फिर प्लस साइन है तो प्लस दे दो, 2m का मतलब क्या आएगा, 2 multiply by m। तो 2 multiply by यहाँ पे m के जगह पे अगेन क्या आएगा, 2 आएगा। और फिर प्लस ये a का एज इट इज a रहने दो। ओके हमें a का वैल्यू निकालना है। चलो नेक्स्ट स्टेप, सो यहाँ पे 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 2 × 2, ये इसका मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और लास्ट में क्या बच रहा है, फिर प्लस a बच रहा है। तो फाइनली मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 + 4 क्या मिलेगा आपको, 12 मिल जाएगा। और लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस a बच रहा है। देखो हमें a का वैल्यू निकालना है। ओके तो आपको क्या मिला यहाँ पे, p of 2 12 + a मिला। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो p of 2 12 + a मिला ना, इसको एज इट इज रहने दो। अब हम लोग बोलेंगे लेकिन ये जो पॉलिनोमियल था उसका वैल्यू क्या आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था। ओके जब मैं m के जगह पे 2 पुट करूंगा, तो जब मैं m के जगह पे मैंने 2 पुट किया तो मुझे फाइनली मिला 12 + a मिला। ओके सो हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल के, ये जो 12 + a है ना वो इक्वल है, किससे इक्वल है, 12 से। क्यों ऐसे लिख रहे भाई, क्योंकि जब मैं m के जगह पे 2 पुट करूंगा तो मुझे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। ओके तो a के जगह पे क्या आना चाहिए वो हमें पूछा गया। चलो देखो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या बोलेंगे, बट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 12, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बट द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 12। ओके ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू क्या है भाई, 12 है। ओके इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 12 है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो 12 + a है, 12 + a इक्वल होगा किससे, 12 से इक्वल होगा। ओके क्योंकि ये जो
पॉलिनोमियल है, देखो समझने की कोशिश करो, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जब मैं एम का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ओके, तो हमें मिला क्या है भाई, 12 प्लस ए मिला है, तो ये 12 प्लस ए इक्वल बता देंगे हम लोग इस 12 से, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 12 आता है, तो इसका मतलब 12 प्लस ए जो रहेगा वो इक्वल होगा 12 से। तो ए का वैल्यू क्या होगा, देखो ए का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर मुझे ए का वैल्यू निकालना है, तो ये 12 को उधर ले लो, सो देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12, सो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अगर ए का वैल्यू 12 रहे, ए का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो जाके आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ए के यहाँ पे अगर 0 डाल दो, 12 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको 12 मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना, यस। इस तरह से इसको सम को करना है। चलो अभी हम लोग फोर्थ सम को देख लेते हैं, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, छोटे छोटे गलतियों के कारण हम लोग अपना मार्क्स खो देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वन, फॉर द पॉलिनोमियल ये mx² माइनस 2x+3, ये देखो ये जो पॉलिनोमियल है कौन से वेरिएबल वाला है भाई, ये वेरिएबल एक्स वाला है, गलती से भी एम मत ले लेना। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल का यूज हुआ है, एक्स। ये जो एम है, एम एक रियल नंबर है, ओके। आपको बोला गया इफ पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू 7, मतलब देखिए यहाँ पर पी ऑफ माइनस वन मतलब अगर पी आप जब एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करेंगे ना, तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 7 आना चाहिए, ओके। और उसमें से एम का वैल्यू ढूंढकर निकालो। देखो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिख देते हैं, ये कौन सा वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, वेरिएबल एक्स वाला है, तो हम लोग पी ऑफ एक्स लेंगे, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, लिख दो mx² माइनस 2x+3, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बोला है, पी ऑफ माइनस वन क्या आता है भाई, 7 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट पुट x इक्वल्स टू माइनस वन पुट करो, ओके। x इक्वल्स टू हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस वन। जब x इक्वल्स टू माइनस वन पुट करूंगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए सिंपल दिया है, अगर p ऑफ माइनस वन 7 है, ओके, p ऑफ माइनस वन 7 कब रहेगा, जब x की जगह पे माइनस वन पुट करेंगे। देखो माइनस वन जो लिखा है ना, वो किसके जगह पे आपको माइनस वन डालना चाहिए, आपको x की जगह पे डालना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या किए, पुट x इक्वल्स टू माइनस वन, तो क्या आएगा, पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल्स टू, देखो पहला क्या है, एम एक्स स्क्वायर, तो एम को एज इट इज लिखना है, फिर एक्स का वैल्यू क्या है भाई, माइनस वन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस वन द होल स्क्वायर, फिर ये जो माइनस साइन है यहाँ पे पुट किया, फिर टू एक्स है, तो टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, अगेन मैं इस तरह से ब्रैकेट में पुट कर दे रहा हूँ, ओके। तो टू एक्स का मतलब क्या होता है, टू इंटू एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस टू एज इट इज लिखा, और एक्स को मैंने, एक्स का जो वैल्यू था माइनस वन, ब्रैकेट में पुट कर दिया, और लास्ट में क्या बचा, प्लस 3 बच रहा है। चलो अब ये आगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे m को एज इट इज रखो, माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, वन ही आएगा, और वन इंटू वन एम करेंगे तो m आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टू इंटू माइनस वन, तो क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों नेगेटिव नंबर है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। यहाँ पर लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस 3 बच रहा है, इसको एज इट इज लिख दिया, और फाइनली मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर m प्लस 5 मिलेगा, ओके। किसका वैल्यू आया ये आपको, p ऑफ माइनस 1 आ गया, ओके। p ऑफ माइनस 1 क्या मिला, m प्लस 5 मिला। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलेंगे भाई, बट हमें क्या बोला गया था, p ऑफ माइनस 1 क्या देकर रखा था, 7, ओके। सो बट मैं लिखूंगा, बट p ऑफ माइनस 1 जो है, बट p ऑफ माइनस 1 उसका वैल्यू क्या है, 7 है, p ऑफ माइनस 1 का वैल्यू क्या है, 7 है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर देखो p ऑफ माइनस वन का वैल्यू 7 है, इसका मतलब m प्लस 5 किससे इक्वल हो जाएगा भाई, 7 से इक्वल हो जाएगा, तो m प्लस 5 किससे इक्वल होना चाहिए, वो 7 से इक्वल हो जाना चाहिए। देखो बहुत ही सिंपल है, p ऑफ माइनस 1 किससे इक्वल है, m प्लस 5 से, लेकिन p ऑफ माइनस 1 का वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, p ऑफ माइनस 1 की जगह पे 7 पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब m प्लस 5 जो है वो इक्वल हो जाएगा किससे, 7 से। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो m इक्वल्स टू क्या देगा, ये 5 को उधर भेज दो, तो m इक्वल्स टू 7 माइनस 5 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको किसका वैल्यू मिल रहा है, ये m का वैल्यू मिल रहा है, सो देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या आएगा, फाइनली यहाँ पर m इक्वल्स टू 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे m का वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करना था, आई होप आपको ये समझ में आ गया, काफी इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर फ्रेंड्स हम लोग यहीं पे आज जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है ना, यहीं पे हम अपना वीडियो को, लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि आगे का एक नया टॉपिक है जहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम सीखना और फैक्टर थ्योरम सीखना है, ओके। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सीधा हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अभी हम
मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड सी यू अगेन।